friends, I am a man of education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The world requires the change. Paramatma, kabhi Ram ke roop mein, kabhi Krishna ke roop mein, kabhi Buddha aur Muhammad aur Nanak aur Isa Zoroaster Bab, Bahaulla, iske roop mein, vivin avtaro ke roop mein, vivid roop mein aayega. Yehi Gita mein keh diya, yada yada dharma se, glanir bhavati bharata, abhyuttanam dharma se, tadatmanam siyam, paritrana sadhunam, vinashaya chatushkatam, dharma sanstapanarthaye, sambhavam yuge yuge. To institutionalize the religion, to give the new social laws required for the day. I will come again and again. Nay, nay, samajik name dene ke liye. Ram aaye, to unhone manav jeevan ko sundar banane ke liye maryada ka paath padhaya. Ravan amaryadit ho gaya tha. Raja us zamane mein mukhya nyayadhish bhi hota tha, chief justice hota tha, kyunki koi court kachari to hote nahi the. यदि किसी की कोई शिकायत हो तो राजा के दरबार में जाता था, राजा दूसरे को बुलाता था और फिर वो फैसला करता था. यदि राजा खुद ही राम की पत्नी को रावण को चुरा ले जाए तो किससे शिकायत करें? राजा तो मुख्य न्यायाधीश नहीं, तो ऐसा काम क्या है जो चीफ जस्टिस था, राजा था और कोर्ट कचहरी है नहीं. आजकल तो कोर्ट कचहरी है, तो उस समय युद्ध की आज्ञा मिली. भगवान ने कहा जाओ राम चढ़ाई करो, रावण की सेना का विनाश करो, ये पापी है. यदि राजा विनाश राजा अमर्यादित हो गया तो उसके मंत्रीगण, उसके अधिकारीगण, उसकी संतान है और फिर समाज के दबंग जो दादा और गुंडे हैं वो अमर्यादित हो गए. किसी का जीवन सुरक्षित नहीं होगा, किसी की ऑनर, किसी की इज्जत सुरक्षित नहीं होगी, समाज विकृत हो जाएगा. तो मर्यादा की शिक्षा भेज करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भेज करके उन्होंने मर्यादित जीवन किया. ये जितने अवतार आते हैं बड़े कष्ट सहन करते हैं, साधारण आदमी कष्ट सहन नहीं कर सकता, लेकिन जो मैसेज जाते हैं इनका बड़ा इम्तहान होता है. भट्टी में डाले जाते हैं, मौत के घाट उतार दिए जाते हैं. ईसा मसीह को तो कीले ठोक दी गई जीते जी, और वो प्रार्थना कर रहे थे हे परमात्मा तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे, क्योंकि तो अवोधर अज्ञानी है. इनके माता पिता ने और इनके शिक्षकों ने आत्मा का परमात्मा का बोध ही नहीं कराया, ज्ञान ही नहीं कराया. इन्हें मालूम ही नहीं कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है. ये तो अज्ञानी है, इनको माफ़ किया जाए. परमात्मा ने कहा कि तू ठीक कहता है ईसा, मैं सबको माफ़ करता हूँ. ईसा स्वर सिधार के उन लोगों के हृदय बदल के करे, ये तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था कि हम अबोध और अज्ञानी है, हमें दंडित न करना. इन्हीं लोगों ने फिर संसार भर में ईसा का संदेश फैला दिया. कुरान शरीफ में जो पहली आयत है वह खुदा रब्बुल आलमीन है, इस धरती का रब है, इस सृष्टि को बनाने वाला है. एक खुदा ने, एक अल्लाह ने ये सारी दुनिया बनाई है, सूरज चांद धरती आकाश ये सारे प्राणी मात्र को बनाने वाला एक अल्लाह है. सब एक अल्लाह की, एक खुदा की संतान है, भाई भाई है. कोई किसी को सताए नहीं, कुरान शरीफ की तालीम है. कोई भूखा हो तो जब तक आप रोटी न खाओ जब तक उस भूखे का पेट न भर दो, किसी का दिल न दुखाओ. उसमें लिखा है कुरान शरीफ में कि पांच बार नमाज पढ़ो, खुदा की इबादत करो, प्रार्थना करो, तौबा बोलो, तुम्हारे अंदर कोई बुरी बात ना आ जाए, बुरा ख्याल भी मन में ना आ जाए. पांच बार नमाज करने के लिए बोला गया है ताकि तुम्हारे मन में कोई बुरा ख्याल ना आवे. ये सारी तालीमें ऐसी हैं. कृष्ण जी के तो माँ को ही जेल में डाल दिया गया, सात भाइयों को तो कृष्ण के जन्म के पहले ही कत्ल कर दिया, और जब कृष्ण का जन्म हुआ और कैसे भी वो मथुरा की जेल
तो निकल के बाहर चले गए और कंस को पता लगा उनके मामा को कभी भी कृष्ण जिंदा है, उसको मरवाने के लिए हजारों बच्चों को मरवा दिया और फिर भी नहीं मरा कृष्ण, तो उसको एक मल्ल युद्ध में बुलाया गया। हाथियों से युद्ध कराया, घोड़ों से कराया, बड़े बड़े पहलवानों से, छोटे से बालक का युद्ध कराया। कोई कष्ट ऐसे नहीं है जो अवतारों को न दिए जाते हों। बुद्ध राजा शुद्धोधन के लड़के थे। नेपाल में लुम्बिनी नाम का राज्य बन भी है, उसमें उस सम्राट थे शुद्धोधन, उनका बेटा हुआ है। ये राजा ने बोला कि जाओ मेरे बेटे को सैर करा के लाओ। जब सैर करने निकले तो उन्होंने देखा एक आदमी कोड़ी जा रहा है, तब शरीर में फोड़े फुंसी है बहुत ज़्यादा, मक्खियाँ भिनक रही हैं। तो बुद्ध बोले कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया तो एक आदमी है, इसके कोड़ हो गया, बीमारी है बहुत बुरी। तो बोले क्या ये कोड किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। फिर उन्होंने एक बुढ़ा आदमी देखा, लंगड़ा चल रहा था, वो लाठी लेकर के चल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये बुढ़ा हो गया है, कमर इसकी टेढ़ी हो गई है, चल नहीं पा रहा है, क्या मेरा भी ऐसा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। फिर एक डेड बॉडी देखी, ले जा रहे थे लोग गाड़ने जलाने या गाड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा ये क्या है, राम राम सत्य है सत्य बोलो मुक्त है। एक आदमी कोई मर गया है, उसकी डेड बॉडी है, उसको लेके जलाने के लिए गाड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बुद्ध बोले क्या मेरी भी मृत्यु होगी, तो जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, आपकी भी होगी। तब उन्होंने सोचा कि इसका रहस्य क्या है, घर छोड़ के चले गए, वर्षों वन में भटकते फिरे, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, वर्षों साधना की, खाल जल गई, मांस जल गया, हड्डियां रह गई, तभी दिव्य ज्ञान आता है। बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं इनको। अब बाहुल्ला को 40 साल जेल में रखा, डंजन में रखा गया, गले में जंजीर डाल दी गई और 3 महीने तो ऐसे गटर में रखा जिसमें राजा के महल का गंदा गंदा पानी, गंदी लैट्रिन बाथरूम सब आती थी, जहाँ झींगुर मच्छर छिपकली सर्प केवल ही होते थे, बदबू बदबू में 2 मिनट में 1 मिनट में खड़ा नहीं रह सकता, तरह तरह के झुंगुर मच्छर वो आदमी को लगते थे काटते थे, केवल उन लोगों के लिए जिन्हें तड़फा तड़फा के मारना होता था उसमें वो रखे जाते थे, उस डंजन में इनको रखा गया। उन्होंने तब संदेशा दिया कि एक कर दे हृदय अपने से, ये संदेश आया परमात्मा से, ओ माई गॉड यूनाइट द हार्ट टू दाई सर्वेंट्स एंड रिवील टू दम द ग्रेट पर्पस, एक कर दे हृदय अपने सेवकों के हे प्रभु और निज महान उद्देश्य पर कर प्रकट मेरे व्यव। प्यारे बच्चों हूसेवर हैज रिकग्नाइज मी भाव, भगवान भाव भगवान कहता है इस धरती का कोई भी प्राणी जो मुझे रिकग्नाइज कर लेगा वो विल अराइज एंड सर्व मी विद सच डिटर्मिनेशन दैट द पावर्स ऑफ द अर्थ एंड हेवन शैल बी अनेबल टू डिफीट हिज पर्पस। जो कोई मुझे पहचान लेगा उसे धरती और आकाश की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है मेरी सेवा करने से। इन अवतारों को बहुत तकलीफें दी गई सभी को, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास, बहुत दुख देने पड़े, सब ने बहुत दुख दिए इन अवतारों, ऐसे ऐसे दुख दिए कोई साधारण आदमी झेल ही नहीं सकता। काहे के लिए इनकी आत्मा बलिष्ठ बने और उस आत्मा में से परमात्मा का संदेश मानव जाति तक पहुंच जाए। ये संदेश वाहक होते हैं, मैसेंजर्स ऑफ गॉड होते हैं, गॉड एक ही है, मैसेंजर्स अनेक हैं, सारी किताबों का स्रोत एक परमात्मा है,
सारे धर्मों का स्रोत एक परमात्मा है. परमात्मा दो ही नहीं, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, मोहम्मद का, नानक का, ईसा का, बाप का, बाहुल्ला का, जुराष्टर का, मोजिस का, अब्राहम का, महावीर का, एक ही भगवान है. इनकी आत्मा में आत्म तत्व आया, एक परमात्मा से आया. और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शरीर यहाँ जला दिए गए या गाड़ दिए गए, आत्मा परमात्मा की आत्मा में विलीन हो गई. क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचि शरीरा. पांच तत्वों से शरीर बनता है. क्षित मिट्टी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन तत्व आसमान का, और समीर वायु. पांच चीज़ें होती हैं. और जब आदमी की मृत्यु होती है तो पांचों चीज़ें चाहे जला दें चाहे गाड़ दें, जो मिट्टी तत्व है मिट्टी में विलीन हो जाएगा, जो जल तत्व है वो जल में विलीन हो जाएगा, शरीर के अंदर जल भी है, जो अग्नि तत्व है वो अग्नि में विलीन हो जाएगा, जो गगन तत्व है वो गगन में विलीन हो जाएगा, जो वायु तत्व है हवा है वो हवा में विलीन हो जाएगी. लेकिन आत्मा कहाँ होगी? आत्म तत्व में विलीन हो जाएगी, जो कण कण में व्याप्त है. आत्मा आत्म तत्व में विलीन होगी. तो प्यारे बच्चों, सारी सृष्टि का परमात्मा एक है. तो ये डिवाइन एजुकेशन है. तो मटेरियल में पी एड क्लासेस थ्रू हार्ड वर्क एंड ट्यूमर, और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्त बचा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. माँ बाप और टीचर एक ही कामना करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरा शिष्य, मेरा स्टूडेंट मुझसे 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना आगे निकले. टीचर हैं, टीचर को इतनी खुशी होती है जितनी खुशी बच्चे को नहीं होती है. बच्चे से ज़्यादा खुशी टीचर्स को, प्रिंसिपल को होती है. मेरे स्टूडेंट ने इतना बड़ा रिजल्ट पाया, उन्हें क्या मिल जाएगा? आपका रिजल्ट अच्छा है तो उसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा, टीचर को क्या मिलेगा, प्रिंसिपल को क्या मिलेगा, मम्मी पापा को क्या मिलेगा? अरे आपका रिजल्ट अच्छा है, आप आगे बढ़ेंगे, आप बड़े जॉब पाएंगे, बड़े इंसान बनेंगे, बड़ी अच्छी प्रगति आपकी होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा. तो आप मम्मी पापा को क्या दे देंगे? आप केवल एक चीज़ दे सकते हैं, खुशी. किस बात की खुशी? तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है, खूब मेहनत करो, दिल लगा के पढ़ो. देखो तार है मेरे पास, ये तार पावर हाउस से जुड़ा तो बिजली आ रही है, लेकिन ये तार उससे कट जाए पावर हाउस से तो उसमें बिजली नहीं आएगी जो जल रही है. इसी तरह जब व्यक्ति प्रार्थना के द्वारा, प्रभु वार्तालाप के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसका मस्तिष्क प्रकाशित हो जाता है, ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित. जो चाहो सफलता पा सकते हो, जो चाहिए सफलता मिल जाएगी. और कहीं हम ईश्वर से कट गए, ख़त्म, बहुत साधारण बन के रह जाएंगे. महान बनना है उस महान से जोड़ो, दोस्ती करो. साधारण बनना है तो साधारण लोगों से दोस्ती करो. महान बनना है तो संसार में एक ही महान है, परमात्मा, उससे महान कोई भी नहीं है. उससे दोस्ती करो. उसके दोस्ती के मानी क्या है? उसकी शिक्षाओं को जानो, उन पर चलो. आई बियर विटनेस माई गॉड, द दास क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी. मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे परमेश्वर कि तुझे जानने और तेरी पूजा करने के लिए, तुझे जानने माने तेरी शिक्षाओं को जानने जो तेरे गीता रामायण वेद कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ में भेजी, और तेरी पूजा करने के माने उन शिक्षाओं पर चलूं. यह आपकी प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है. इसको हमेशा याद रखो. अभी आप 2 साल और हो, लेकिन आप कुछ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्त बचा है. आप बड़े लकी बच्चे हो, आपके टीचर्स इतने मेहनती, परिश्रमी, त्यागमय, आपकी बड़ी दीदी इतना आपके लिए त्याग करती है, बहुत कोशिश करती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें जीवन में,
महान बने. तो यू आर वेरी लकी. वी रेज द बैनर ऑफ आवर स्कूल एंड सी इट फ्लाइंग हाई. वी रेज टुगेदर ऑल आवर वॉइसेस टिल दे रीच द स्काई. सीएमएस इज द प्लेस टू बी. सीएमएस इज फॉर यू. Fill the sky, and its name endure forever and aye. May its founders' ideals inspire to strive, to seek, to ever aspire. May we uphold the good and fair in all that we do and dare. At home, at school, at play, in actions of the day. Is a temple of learning where knowledge and wisdom rules, where we become the changes we dream of. Our most beloved school, our lessons are of peace and of spirituality. Our greetings for all is Jagat. Our vision is of world unity, unique in the annals of education. Our founder is a one of a kind. We are the light of the world, and CMS, the hope of mankind. May CMS fragrance fill the sky, and its name endure forever and aye. May its founders' ideals inspire to strive, to seek, to ever aspire. May we uphold the good and fair in all that we do and dare. At home, at school, at play, in actions of the day. At school, at play, in actions of the day.
Gradually, as the arts of life improved, the forests cleared, lesser natural regions fused into greater, advancements in science, technology, World Wide Web, and now the advent of artificial intelligence, it may perhaps be thought that with the continuance of this process, all mankind will be in the end unified. Man's oldest dream to establish one world state or world government with an established world parliament and world court of justice. If human civilization is not to go down in blind internecine conflicts since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, stockpiling of weapons of mass destruction, fear of a third world war and nuclear holocaust, there must be a development of world planning for world federalism as enshrined in the ancient Indian wisdom of Vasudhaiva Kutumbakam, or Earth is but one country and mankind its citizens. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Is it a tenable dream? Perhaps so. As for the past 6 decades now, Guinness World Records holder City Montessori School in Lucknow, India, founded by Dr. Jagdish Gandhi, who remains active as ever as the nerve center of his school community, has redesigned his school syllabus through the integration of education, religion, law, and justice to create world-minded and socially conscious citizens who would work for the welfare of humanity and its unity. Unity will bring divine civilization on earth, and to make it happen, CMS, the winner of the UNESCO Prize for Peace Education in 2002 through its curriculum of education for protection and security, since the turn of the century has been convening the international conferences of chief justices of the world that aims to unite the world for children through enforceable international law and effective global governance. CMS students and management have been fervently asking for a safe and secure world, especially for the 2.5 billion children of the world and generations yet to be born. A democratic world government based on establishing peace and solving environmental problems. And here is their appeal to the President of United States of America, Mr. Donald Trump. Team CMS received 370 dignitaries consisting of chief justices, judges, heads of states, speakers of parliaments, ambassadors, legal luminaries and world unity promoters from 71 countries who were graciously welcomed to participate in the 19th International Conference of Chief Justices of the World on Article 51 of the Constitution of India, headed by the convener of the conference, founder of City Montessori School, Dr. Jagdish Gandhi. I have here with me right now Dr. Takahiro Kato from the University of Tokyo, Japan. Sir, a very warm welcome to you here at the Chief Justices Conference. Tell us, how are you feeling here and what has your experience been here at the conference? Yes, I met many people from all over the world, and I experience very, it's very nice experience for me. Yeah. All right, so you said that you've met many people over here, many experts. Yes, I was very surprised to see so many people from so many countries all together and discuss about peace and unity. That's a great opportunity. I came to India about 20 years ago. That was the first time to Calcutta. Okay. I was actually very shocked to see there are so many children on the street, yeah? And yeah, the children ask me for money. And that was a great shock. You know, I was
grown up in Japan, and in Japan there is no such sad situation, mm-hmm. especially for children. Of course, we had like that kind of, you know, situation about 50 or 60 years ago after the World War II, mm-hmm. but as far as I'm concerned, or mm-hmm. to my experience, mm-hmm. it was really shocked. Mm-hmm. And at that time I thought, what can I do for this? And maybe I start giving 5 rupees, 10 rupees to each children, mm-hmm. you know. Mm-hmm. But many children are on the street, and they are coming to me, and everyone asks me 5 rupees, 10 rupees. I am not so rich person. Mm-hmm. Yeah. I'm not so not enough to giving mm-hmm. all the children mm-hmm. enough. So that was my first encounter to this problem. So that was, but it has nothing to do with my study or research. I'm basically a scholar of Sanskrit or scholar of Indian philosophy, all right. and reading Sanskrit text, which okay. is full of, old practices like Stri Shudra Yoho Nadikaro, Vedatyane Nadikara. So the Shudra and women are not entitled to learn or study Veda. This is very old idea. But this old idea has supported by these people, yeah? Because it has reason. The Veda protects you always, yeah? Yes. So in talking very modern context, so nobody, or at least Indian people, can believe Veda is authority, and Veda helps me, or Veda helps us in every way. Not in this world, it guarantees the next world. Yeah? But in this context of global world, yeah, I believe, of course, I believe Veda, so I follow the Veda. But other people from other cultural backgrounds, or other ethnic background, do not agree. What is Veda? How is this guarantees your next life? So that's, yeah, therefore people are, you know, thinking about how to develop or how to establish our peace society without depending on such Veda or other many authorities which people in all over the world believe or follow. So one principle is, of course, unity, equality, or what is equality, liberty, peace, and so on, which is invented, especially in Europe around 19th century. So for us, these concepts or very modern concept of society is, yeah, we could follow all together. And unity or peace is one of these very important concepts.